हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर जो है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। फर्स्ट है उसमें सेंटर में दिया एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिया मॉर्फोलॉजिकल, फिर दिया सिमिलैरिटीज इन बोन स्ट्रक्चर, और ये दो एम्प्टी दिया है। तो पहले वाले में आएगा पैलेनोटोलॉजिकल एंड दूसरे में आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक, चलिए देखें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई द सेम ऑफ योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन इवोल्यूशन बिगन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है, लार्ज डायनासोर्स डिसअपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स वेयर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एक्सटर्स हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू द मॉडर्न लेमर्स। लास्ट वन है, थोस ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन्स अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर अगो। तो ये इसका आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड लीड एट टू स्पेसिएशन। तो पहला उसका पॉइंट है, स्पेसीज इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल्स थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट है, ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन, द फूड हैबिटेट रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड पीरियड इज डिफरेंट। लास्ट पॉइंट है, अलॉन्ग विद जेनेटिक वेरिएशन जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो वीडियो को पॉज करके इसका भी राइट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गॉट बरीड ड्यू टू डाइजेस्टर्स लाइक फ्लड अर्थक्वेक वोल्केनो एटसेट्रा। सेकेंड पॉइंट है, रिमार्क्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड एज फॉसिल। थर्ड वन, विथ हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक इट इज ईजी टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल। वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड इट बिकम इजी टू deduce इंफॉर्मेशन अबाउट अदर erstwhile ऑर्गेनिज्म। हैंस स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। यह है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का। तो उसका क्वेश्चन है, देर इज एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमंग चॉडेट्स। तो उसका है फर्स्ट पॉइंट, इट इज बिलीव दैट चॉडेट्स हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टर ब्रेड्स। सेकेंड पॉइंट है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट फ्रॉम विच इन वॉट ब्रेड ग्रुप द चॉडेट्स वेयर डेवलप। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट है, चॉडेट एंसेस्टर्स वेयर सॉफ्ट बॉडीज एनिमल, हैंस दे वेयर नॉट प्रिजर्व एज फॉसिल। लास्ट वन है, थूस देयर इज एविडेंस ऑफ फेटल साइंस अमोंग चॉडेट्स। तो इसका भी वीडियो पोस्ट करके आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, द कॉजलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस वाज अंडरस्टूड ड्यू टू डैश प्रिंसिपल ऑफ हैगो डी वेरिज। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा म्यूटेशन। सेकंड क्वेश्चन, द प्रूफ फॉर द फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स थ्रू डैश वाज गिवन बाय जियोग पेडल एंड एडवर्म टेटम। तो इसका जो आंसर है वो है जीन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड इज डैश प्रोसेस। तो इसका जो आंसर है वो है ये वाला, ट्रांसक्रिप्शन। और फोर्थ वन है, इवोल्यूशन मीन्स डैश, इवोल्यूशन मीन्स डैश, इसका जो आंसर है वो है ग्रेडुअल डेवलपमेंट। लास्ट वन है, वेस्टिजियल ऑर्गन डैश प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, इसका जो आंसर है वो है अपेंडिक्स। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर है वो राइट शॉर्ट नोट है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है लैमार्केज़, ये बहुत बड़ा है तो मैं इसको डिटेक नहीं करूँगा, जस्ट आपको यहाँ पर दिखा दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। तो उसका ये है, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके इसको भी देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एम्ब्रियोलॉजी। इसमें भी चार पॉइंट है, एम्ब्रियोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एम्ब्रॉय, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रॉय। तो आप वीडियो को पोस्ट करके इसको देख लीजिए, डिक्टेट करने में क्या टाइमिंग कंज्यूम होगा इसके लिए। तो ये वाला थर्ड वन हो गया।
फोर्थ वाला इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन इवोल्यूशन क्या है रहा, ठीक है, इसका भी कुछ चार पांच पॉइंट है तो आप लिख लीजिए वो भी इस वीडियो को पोस्ट करके। लास्ट है कनेक्टिंग लिंक्स, इसके भी चार पांच पॉइंट है तो ये भी आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फाइव है डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस, इसके भी चार पांच पॉइंट है तो ये भी आप वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, राइट नेम ऑफ सम वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम ऑफ टू एनिमल इन ह्यूमन सेम ऑर्गन्स आर फंक्शनल, इसके तीन पॉइंट्स है ओनली, ठीक है, तो इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, तो पहला है देखिए हाउ आर द हेरिडिटी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, इसके पांच पॉइंट है तो वीडियो को आप पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसका भी पांच पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग, तो इसके पांच छह पॉइंट है, आप ज़्यादा मत लिखिए, पांच छह पॉइंट ही लिखिए इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटोमिकल एविडेंस इन इवोल्यूशन, इसके चार पॉइंट है तो चार पॉइंट आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फॉसिल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल एज प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, इसके भी चार पांच पॉइंट लिख लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, थोड़ा फोल्डिंग है तो थोड़ा मैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है राइट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन, तो ये डायग्राम है उसका, जर्नी ऑफ ह्यूमन का, और उसका जो थ्योरी है वो इधर है, इसमें तीन चार पॉइंट पांच छह पॉइंट आप लिख लीजिए जो भी आपको सूटेबल है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे बेल आइकन चैनल को, ताकि हमारी आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है, थैंक यू।